सावरी पे बलिहारी वाने महाराज चुरा लिया रे दो नैन व दिल पर तालो जड़ गयो रे श्याम काई जादू कर गयो रे। पिराने जैसे ही सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं ना मंदिर के बाहर कही लाओ भाई जी प्रसाद दे जाओ लाओ भाई प्रसाद लाओ भाई प्रसाद। तो जैसे प्रसाद वाले बैठे रहते हैं सीढ़ियों पर मीरा जैसे ही उतरी सीढ़ियों से लाओ भाई प्रसाद मीरा जी मीरा कहने लगी प्रसाद कई का प्रसाद आज तो वो सब दूध को पी गया। मीरा ये क्या कह रही हो तुम्हारे बाबा जब भोग लगाते थे दूध का तो रोज हमें चरणामृत दे करके जाते थे लाओ कह तो दिया वो सब को पीगा तुम झूठ बोलती हो। मीरा कहने लगी मेरे से क्यों कहते हो जिसने पिया हो उससे जाके पूछो मेरे से क्यों कह रहे हो। प्रेमियों बात चलती चलती दादाजी तक पहुंच गई जहां पर वो लेटे हुए हैं सो रहे थे। जाकर कहा महाराज आज आपकी बेटी ने तो पता नहीं क्या किया हमें चरणामृत भी नहीं दिया। अच्छा बुलाया मीरा को मीरा ये क्या सुन रहा हूं मैं कि दादाजी क्या कहना चाह रहे हो ये कह रहे चरणामृत भी नहीं दिया कहां गया दूध कि दादाजी पी गया वो सारे दूध को झूठ बोलती हो सच बताओ कि दादाजी मैं सत्य कह रही हूं और फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। दादाजी कहने लगे मेरे हाथ से तो कभी नहीं पिया। मीरा कहने लगी फिर रोज भोग किसको लगाते थे जब तुम्हारे हाथ से पीते ही नहीं थे तो क्यों दूध लेकर के जाते थे। अब दादाजी के पास कोई जवाब नहीं कहने लगा अच्छा मीरा चलो दूध पी गया हाँ। लोग कहने लगे महाराज कैसे माने लेकिन अब बेटी को डांटो मत कोई बात नहीं बात डांटने की नहीं है बच्चों को समय पर नहीं डांटते संस्कार बिगड़ते हैं। बात यह हो मीरा क्या वो तेरा सांवरिया दोबारा पी लेगा। मीरा कहने लगी शायद पी ले उनकी इच्छा हो तो उनकी इच्छा हो तो अच्छा ठीक है। लोग भी कहने लगे महाराज हाँ परीक्षण ही सही। दोबारा मीरा के हाथ में कटोरा दे दिया और जाकर के मीरा मंदिर में गई और कटोरा सामने रख दिया। अब मीरा ने कहा हे सांवरिया पियो दूध लेकिन अब कन्हैया दूध नहीं पी रहे चतुर्भुज भगवान ने दूध नहीं पिया। दोबारा फिर जाके देखा तीसरी बार देखा चौथी बार देखा जो जो समय बीतता गया लोगों में आपस में कानाफूसी होने लग गई। जो जो समय बीतता गया अब मीरा ने पर्दा कर दिया थोड़ी देर पर्दा लगा करके फिर बार बैठ गई जैसे पहले पिलाया था लेकिन फिर पर्दा खोला अब भी दूध का कटोरा भरा हुआ है। अब तो मीरा रोने लग गई आंखों से बूंद नहीं गिर रही है बरसात हो रही है खूब फुट फुट करके रो रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है पियो गिरधारी गोपाल पीर तू मेरी क्यों हरे गो पीले थोड़ा दूध देवता तेरो क्या बिगड़े गो दूध कटोरो भर के ल्याई संग परी जन को भी ले आई मेरो पूरो परिवार देख रहा है मेरो सगरो परिवार यूं उपहास करेगो पीले थोड़ा दूध देवता तेरो क्या बिगड़ेगो। हे कन्हैया हे चतुर्भुज भगवान थोड़ा सा दूध पी ले और कहने लगी पहली बार में कुछ नहीं छोड़ा अब काहे को पीने से मुख मोड़ा।
मैं जब पहले दूध पिलाने आई थी तब तो उसमें से तूने थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा, पूरे को पी गया। अब उस पूरे में से थोड़े से को भी नहीं पी रहा। हाँ, अब काहे को पीने से मुख मोड़ा, मंदिर में मैंने रुचि राखी, लखी नहीं कोई नहीं वो झांकी। जब मैंने पहली बार दूध पिया पिलाया तुझे, वो झांकी को उस दृश्य को किसी ने नहीं देखा कि मेरे हाथ से तूने दूध पी लिया। इसलिए या दुखिया या दीन की अब साखी कौन भरेगो, पी ले थोड़ा दूध देवता तेरो क्या बिगड़ेगा। अब इस मीरा की कौन साखी देगा, कौन गवाह देगा कि तूने इसके हाथ से दूध पिया था। और प्रेमियों, जैसे ही मीरा गिर पड़ी है, खड़ी खड़ी गिर पड़ी, बेहोश हो गई, रोती रोती लोग कहने लगे, चलो भैया चलो चलो, ये सब पाखंड, चलो हमें तो पहले ही पता था। लोग आपस में बात करते करते जो ही आगे बढ़ रहे हैं, मंदिर से बाहर निकलने लगे। लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि संभल कर बैठने, संभल कर बैठिए, संभल कर बैठना, जलवे मोहब्बत तमाशा खुद ना बन जाओ, तमाशा खुद ना बन जाओ। किसी दूसरे की हंसी करना, कहीं ऐसा नहीं हो तुम स्वयं ही हंसी के पात्र बन जाओ, तुम स्वयं हंसी के पात्र बन जाओ। उसी समय प्रेमियों, हिले राजमहल के जो ही लोग बाहर निकलने वाले थे कि हिले राजमहल के खंभ, बजे एक साथ ढोल और मृदंग, शंख और नगाड़े बजे हैं, सब कांप गए जन जन, और दूधाजी पड़ी पड़ी अकुलाए गए। मंदिर में जो भी घंटियां थी वो सब अपने आप बजने लगी, शंख नगाड़े सब अपने आप ही मंदिर बज गए, मंदिर के खंभ हिलने लग गए, और खंभ हिले, लोग आड़े टेढ़े सब गिर पड़े हैं, सबकी मति ठिकाने आ गई। और प्रेमियों, देखते देखते सब चतुर्भुज भगवान के मंदिर में वापिस हो गए और भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़े। और प्रेमियों, जैसे ही देखा पर्दा हिल रहा है और लोगों ने पर्दा जो ही हटाया, देखा तो दूध का कटोरा खाली हो गया। अब सब रो रहे हैं, पूरा परिवार मीरा का और जनता जनार्दन जो भी थे सब रो रहे थे। दूधाजी जहां पर पड़े हुए थे अपने बिस्तर पर, उनमें शरीर में चेतना आ गई और वहां से उठ बैठे, गिरते पड़ते मंदिर में आकर के, जय हो, मंदिर में आकर के और लेट गए हम भगवान के सामने, और अपने मस्तक को बार बार, चतुर्भुज भगवान के मस्तक को बार बार टेक रहे। दूधराव जी आज कहने लगे, विचार करने लगे, भक्ति भावना लिए हृदय में आई मीरा बाई, जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। दूधा जी कहने लगे, ये बुढ़ापे को धिक्कार है, इस इतनी बड़ी उम्र में भी मैं भगवान के प्रति वो विश्वास नहीं ला सका जो मेरी 7 वर्ष की पोती भगवान में विश्वास लेकर के आ गई। धन्य है इसका जीवन, बेटी हो पोती हो तो ऐसी हो, मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया, मेरे जीवन को धन्य बना दिया है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, धन्य है ऐसी संतान को, ऐसी बेटी को, ऐसे अनेकों भक्तों के चरित्र है जो प्रेम